हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये प्लास्टिक की थैली है जो कैरी बैग है, इसका हम पूरे को कपड़े पे बनाएंगे। तो इसके बारे में मैंने अपने वीडियो में बताया है इसको कितना कपड़ा चाहिए और कैसे सिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम बनाना। तो फ्रेंड्स, ये हमने कपड़ा लिया है इसको बनाने के लिए। इस कपड़े की हमारी जैसे लंबाई है, लंबे में है ये 22 इंच, और ये चौड़ाई में है हमारा 19 इंच। ये देखिए, अब जो ये मेजरमेंट है ये, इसके हमने दो पीस लेने हैं कपड़े के, जैसे ये मैंने लिए हैं। अब ये कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो कपड़े को हमने फोल्ड कर दिया है, और ये जो फोल्ड किया है वो साइड हमारी इधर है और खुले हुए पार्ट हमारे इधर है। अभी हम कपड़े पे मार्किंग करेंगे। इसकी मार्किंग जैसे हमारा लेडीज कमीज होती है वैसे होता है जब ब्लाउज होता है। तो यहां से हम 2.5 इंच, 2.5 रखेंगे। यहाँ पे 2.5 पे हम निशान लगाएंगे, और डीप हमारा होगा 5 इंच। यहाँ पे हम ऐसे बॉक्स बना देंगे। यहाँ पे हम 1 इंच ऐसे रखेंगे, और इसको हम ऐसे गुलाई दे देंगे। अभी हमारी यहाँ की मार्किंग होगी, तो हम यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे, और डीप हमारा वही 5 इंच जाएगा। अभी यहाँ से हम 1/2 इंच ले लेंगे अपनी गुलाई के लिए। ये देखिए, ऐसे हम जैसे अपने सूट में देते हैं गुलाई अपने शोल्डर के लिए, वैसे ही हम यहाँ पे गुलाई दे देंगे। और तीनों, ये भी और ये भी हम कट कर देंगे। तो देखिए, हमारी अभी कटिंग हो चुकी है दोनों साइड की। अब हम इसे सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमने मैंने अभी ये खोल दिया है। अभी हम यहां से सिलाई करेंगे, पहले दोनों ऐसे जोड़ेंगे। तो अभी हम सिलाई लगाते हैं। तो फ्रेंड, ये पार्ट मैंने सिल दिया है। अभी हम ये वाले पार्ट सिलेंगे, दोनों साइड के, इधर का और ये वाला। तो देखिए, मैंने यहाँ पे स्टिचिंग लगा दी है, दोनों साइड में हमारी सिलाई लग चुकी है। तो अभी क्या करेंगे हम, जो हमारा ये पार्ट है और ये पार्ट है, इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे ऐसे करके, और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। अगर चाहें तो आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, मैं ऐसे ही फोल्ड कर रही हूँ। अगर आपका पतला कपड़ा है तो पाइपिंग लगाइए, ये कपड़ा थोड़ा मजबूत है तो इसलिए मैं इसे ऐसे ही कर रही हूँ, गले पे भी और साइड में भी। तो अभी हम ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाते हैं पूरे में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा दी है अच्छे से। ये देखिए पूरे, और ये वाली साइड में भी हमने सिलाई लगा दी है ऐसे फोल्ड करके पूरा। तो अभी हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा सिल चुका है। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा मेजरमेंट है, यहां से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, 2.5 का। ये देखिए, ये साइड भी और दूसरी साइड भी हम 2.5 का निशान लगाएंगे। अब ये निशान और ये निशान, ये दोनों को हम ऐसे मिला देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। ये देखिए, 4 फोल्ड हो गए हैं, अंदर को आ जाएगा ऐसे। दूसरी साइड भी हम ऐसा ही करेंगे। अभी ये वाले पार्ट को तो हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, अभी हम ऊपर यहाँ पे जाएंगे। ये देखिए, अब जो हमारा ये पार्ट है सिलाई का ऊपर, इसको भी हम अंदर से ऐसे कर लेंगे। और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे, डबल सिलाई लगाएंगे जिससे मजबूत हो जाए। तो यहाँ पे पिन लगा लूंगी मैं। ये देखिए,
उसके बाद सिलाई करेंगे यहाँ से, जिससे हमारा ये हैंडल है ये मजबूत हो जाए। और जो नीचे है ये जो हमने फोल्ड किया है इससे भी हम पिन लगा लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। तो जो हमने ये पिन लगाई है और ये लगाई है, यहाँ पे मैं अभी सिलाई लगाती हूँ। ध्यान रखिए कपड़ा एकदम बराबर आना चाहिए सिलाई में। तो सिलाई लगाते हैं। तो देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अभी ये पार्ट हमारा ऐसा है, ये हमारी सीधी साइड है तो ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो अभी हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। तो ये पाइपिंग मैंने 2 इंच चौड़ी काटी हुई है और इसके जितनी लंबी है। तो हम पाइपिंग इधर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये अंदर को फोल्ड कर लेंगे और यहां से हम सिलाई लगाएंगे यहां तक पूरा। तो अभी हम सिलाई लगाएंगे और लास्ट में यहां भी हम काट के यहां थोड़ा सा मोड़ लेंगे ऐसे। तो देखिए मैंने ये सिलाई लगा दी है पट्टी, ये हमारा ऐसे आ गया है। और दूसरी साइड भी मैंने ऐसे थोड़ा सा मोड़ के लगाई है। अभी हम ये देखिए हमारा ये दिख रहा है, तो हम इसे ऐसे भी थोड़ा ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ऐसे रख के यहाँ पे एक और सिलाई लगाएंगे पूरे में। ऐसे सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए हमारी अभी सिलाई लग चुकी है, ये पाइपिंग हमारी एकदम फिनिशिंग से लगानी है। अभी हम ये वाली साइड में जो पिन लगाए थे हमने, ऊपर जो हमारा हैंडल बनेगा यहाँ पे पिन लगाए हैं। पहले भी यहाँ पे सिलाई है तो हम डबल सिलाई कर देंगे इधर, और दूसरी साइड भी दोनों साइड हम डबल कर देंगे। तो अभी हम सिलाई लगाते हैं। तो देखिए ये भी मैंने सिलाई लगा दी है अभी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ग्रोसरी बैग बनके रेडी है। इसे हम ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं, फोल्ड करके हम अपने बैग में रख सकते हैं। ये देखिए ऐसे फोल्ड करके, तो इसे बनाना भी बहुत इजी है। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको ग्रोसरी बैग बनाने का वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।